एक बार हम लोग एक खून की इंक्वायरी के लिए गए थे. इंक्वायरी में पता लगाते लगाते हम लोग एक घर में पहुंचे. देखते देखते हमारी आंखों के सामने घर में आग लग गई. जब तक फायर ब्रिगेड वगैरह वहां पहुंचे तब तक तो बंगला पूरी तरह से जल के खाक हो गया था. जिस तरह से आग भड़की थी उसे देख के लग रहा था कि किसी ने जानबूझकर आग लगाई थी. आग लगाने वाले को पता चल गया था कि हम लोग वहां बंगले में पहुंच गए थे और किसी तरह से कुछ ना कुछ सुराग ढूंढ ही लेंगे, इसलिए आग लगा दी. न रहेगा बंगला, ना मिलेगा सबूत. खैर, मगर हम लोग भी कहां हार मानने वाले थे. एसीपी साहब ने कह दिया एडी चोटी का जोर लगा दो, उस राख में से सबूत ढूंढ के निकालो. वो खूनी हमारे हाथ से बच के नहीं जाना चाहिए. अब बोल तो दिया मगर राख में से सबूत ढूंढे तो कैसे ढूंढे. पेपर्स सब जल गए, कपड़े वो भी सब जल गए थे. इसके बावजूद भी, सब कुछ जल जाने के बाद भी कुछ ना कुछ ऐसा रह जाता है जिसमें से हमारे डॉक्टर सालूम के कुछ ना कुछ सबूत ढूंढ ही निकालते हैं. और हम लोग वही ढूंढ रहे थे. राख में से एक एक कतरा हटा हटा के देख रहे थे कि अचानक एक लाश मिली, जली हुई लाश. पूरी तरह से जल गया था उसका शरीर, जैसे जला हुआ पेड़ होता है वैसा काला ठूट. फ्रेडी ने लाश को ले जाने के लिए गाड़ी मंगवाई. वो फोन कर ही रहा था कि जली हुई दीवारों के बीच में से किसी के फुसफुसाने की आवाज आई. हम लोग भाग के यहां वहां हर जगह ढूंढ रहे थे पर कुछ नहीं मिला. थोड़ी देर के बाद फिर से आवाज आई, कोई बुला रहा था. ऐसा लग रहा था जैसे कोई आत्मा बुला रही है. फ्रेडी ने दीवारों पे कान लगा के सुना, आवाज फिर से आई. फ्रेडी बेचारा तो बेहोशी हो गया था. बाद में पता चला कि वो आवाज उस जली हुई लाश में से आ रही थी. वो आदमी जिंदा था. पूरी तरह से जले हुए होठों में से वो आदमी कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था. पहली बार देखा बिना होठ के कोई आदमी कैसे बोलता है. इस केस में भी हमें एक जली हुई लाश मिली है. आप खुद ही देख लीजिए क्या हुआ था. मिस्टर मैथ्यू. हाय, कुलदीप बोल रहा हूं. कैसे हैं सर आप? यहां पर तो सवेरे के 8 बज रहे हैं, वहां पर मेरे ख्याल से शाम होगी. मिस्टर मैथ्यू, एवरीथिंग इज फाइन. जी मिस्टर मैथ्यू, मैंने आपको इसके लिए फोन किया कि आपका माल तैयार है, पूरा के पूरा कंसाइनमेंट तैयार है और गोडाउन में पड़ा हुआ है. जी जैसे ही कंटेनर्स आ जाते हैं मैं उसको डिलीवर कर देता हूँ. जी सर. हाँ तो मैं कर दूंगा सर, लेकिन अगर कुछ पैसों का इंतजाम हो जाता तो बड़ी मेहरबानी होती. मिस्टर मैथ्यू, आप मेरी मजबूरी समझने की कोशिश कीजिए. नहीं, मैं समझ सकता हूँ. मैं समझ सकता हूँ कि अमेरिका में मंदी है, लेकिन यहाँ का भी हाल अच्छा नहीं है. मेरा हाथ बहुत टाइट है मिस्टर मैथ्यू. कुछ 50% अगर जी. अब ये नहीं मालूम कि डिलीवरी होने के बाद में कब पेमेंट आएगा, लेकिन अगर पेमेंट मुझे टाइम पर नहीं मिला तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा. आई बी नो वे. We'll be right back.
करो ये शोर शराबा, लगा से बंद करो, बंद करो उसे, चलो, चलो, चलो इस दरवाजे पे, आ जा रहा, लाइन में खड़े हो, चलो, लाइन लगाओ, आ जा रहा, चलो, लाइन लगाओ, चलो, लाइन में खड़े हो जा, चलो लाइन में खड़े हो, खड़े इधर, वो है कहाँ, दिखा नहीं दे रहा, देखते हैं, तुम दिखाओ, चलो, तलाशी दो, जेब दिखा, क्या है इसमें, जेब दिखा, क्या, खाली कर, क्या है जेब में, जेब में क्या है, पर्स ला, जल्दी, जेब खाली कर क्या ये? हाँ? क्या ये? क्या ये? हाँ? जा, खड़े वहाँ पे। पर्स में क्या है? कुछ नहीं सर। पर्स दिखा। हाँ? पर्स चेक करो इसका। पर्स दिखा। क्या तुम्हारे पास? हाँ? दिखा। कल पेपर में फोटो छपेगी ना? पता चलेगा। सर? ये पैकेट ड्रग्स अरेस्ट करो इसे चलो चलो जाओ सर प्लीज सर सर एक मिनट रुकिए तो प्लीज सर एक मिनट रुकिए सर मुझे आपसे एक बात करनी सर मैंने ड्रग्स को कभी हाथ तक नहीं लगाया सर ड्रग्स के साथ पकड़ी गई हो ले जाओ सर एक मिनट रुकिए ना सर मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ क्या यस सर पुलिस ऑफिसर यस सर पुलिस ऑफिसर हो तो ये क्या है ड्रग्स कहाँ से आई सर अभी आप प्लीज मुझे छोड़ दीजिए सर आपको मैं एक इंफॉर्मेशन दे सकती हूँ कौन सी इंफॉर्मेशन सर जिस आदमी को आप ढूंढ रहे हैं वो कहाँ है मैं आपको बता सकती हूँ कहाँ है वो सर पहले आप मुझे छोड़ दीजिए ठीक है छोड़ा अभिजीत ये क्या कर रहे हो ड्रग्स के साथ पकड़ी गई सर प्लीज सर सर मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा सर ठीक है छोड़ दिया मुंह बंद रखना अपना किसी को बोलना नहीं कहाँ है वो जा नीचे गोली मार दूंगा गोली मार दूंगा बाहर निकल बाहर निकल Oh my God! There! There! क्या ठीक हो गोली उसी लगी बच जाए हॉस्पिटल ले चलते हैं देखिए अब मुझे भी तो बता सकती है अब क्यों मिलना चाहती है एसीपी साहब से नहीं मैं उन्हें ही बताऊंगी जरा सीक्रेट है देखिए मैं भी एक सीआईडी ऑफिसर हूं और यहां पे बिना बताए क्या हुआ भाई क्या हुआ सर ये आपसे ही मिलना चाहती है सर बता नहीं रहे कि क्या बात है ताशा यस सर ताशा कुमार रिपोर्टिंग ऑन ड्यूटी सर ड्यूटी मतलब सर हाँ ये हमारी नई सीआईडी ऑफिसर है ताशा, ये ऑर्डर तो 10 दिन पुराना है जी सर मुझे आज ही यहाँ पर ज्वाइन करना था सर गुड गुड ताशा पिछले 10 दिनों में तुम्हारे साथ कुछ हुआ तो नहीं मतलब सर मैंने पूछा कुछ हुआ तो नहीं अब वो सर कोई गलत काम हुआ है तुम्हारे हाथों मेरे से सर हाँ तुम ये हाँ ये ताशा है हमारी नई सीआईडी ऑफिसर ओ नई सीआईडी ऑफिसर ताशा ये दोनों कोई आम पुलिस ऑफिसर नहीं है ये डिटेक्टिव्स हैं डिटेक्टिव्स जाने माने सीआईडी ऑफिसर्स हैं ये सर मैंने कुछ नहीं किया सर कुछ भी नहीं किया तो फिर क्या करने गई थी वहां पर तू सर मैं तो
मैं तो बस ये चाहती थी कि यहाँ आने से पहले कोई कुछ ऐसा करो कि एक बड़े बदमाश के बारे में पता लगा सकूं, ताकि ताकि पहले ही दिन आप खुश हो जाए सर। तो वही जगह मिली थी जाने की, मालूम है कितनी खतरनाक जगह है सर। वो बदमाश इसका खून कर सकता था सर, उसने तो मेरे ऊपर गन तान दी थी सर, ये तो कुछ भी नहीं। सुना विवेक, मेरे टेबल पर एक एनवलप है, जरा लेके आओ। यस सर। और तुम्हें क्या लगा ये दोनों चुप बैठ जाएंगे? इन्होंने छींक भी मारी तब भी मुझे फोन करके बताते हैं कि सर मैंने छींक मारी है। सर ये लीजिए। मैंने तुम्हारी गिरफ्तारी का ऑर्डर निकाल दिया है। दाशा, तुम्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। अरेस्ट हो जाऊंगी? हाँ। प्लीज सर, प्लीज सर। फिर वहां जितने लोग थे उन सब ने ड्रग्स अपने जेब में से निकाल के बाहर फेंक दी, पर इनके ड्रग्स इनके पर्स में मिली सर। क्यों? सर मैं पुलिस ट्रेनिंग में फर्स्ट आई थी सर, सबसे आगे थी मैं। इसीलिए तुम्हें सीआईडी में लिया गया था, मगर मैं मजबूर हूँ। प्लीज सर, मेरे माँ बाप को मुझसे बहुत आशा है सर, अगर उन्हें पता चलेगा तो मर जाएंगे सर। सिर्फ एक चीज तुम्हें बचा सकती है। कौन सी सर? ये बात इसे पूछनी चाहिए या तुम्हें? सॉरी सर, जल्दी पूछो। क्या सर? सर रिपोर्ट आ गई। गुड, ठीक है। ये लो सर। गुड। दाशा, अब ये फ्रेडी तुम्हारे लिए भगवान है या यमदूत, अभी पता चल जाएगा। ये क्या है सर? जो ड्रग्स तुम्हारे पर्स में से मिली है उसकी रिपोर्ट है ये। वो ड्रग्स असली है या नकली ये लिखा है इसमें। अगर असली है तो तुम जेल जाओगे, और अगर नकली है तो फिर तुम आज से ही CID ऑफिसर। खुद पढ़ोगे? अभिजीत दया, लेके जाओ इसे। चलो। प्लीज। और इसे इसका CID का बैच दे दो। वो ड्रग्स नकली है। काफी आग लगी है। तुम वॉचमैन ना? जी सर। तुमने फोन किया था? जी सर। लाश कहाँ है? अंदर है सर। चलो देखा। आइए सर। तो वहाँ बहुत देखा। ये लाश किसकी? मालूम नहीं सर। मालूम है मतलब? यहाँ की देखरेख करने वाले तुम ही हो ना? जी सर। सर जब मैं गोडाउन छोड़ने गया था तो यहाँ पर मेरे सिवा कोई भी नहीं था। तुम गोडाउन छोड़ के क्यों गए थे? हा? मेरी पत्नी का फोन आया था, कहने लगे कि पिट्टू की तबीयत ज्यादा खराब है, इसलिए जल्दी आ जाओ। मैं
अपने घर की तरफ भागा, मगर जब रात की शिफ्ट के लिए मुझे कोई दूसरा आदमी नहीं मिला तो मुझे मजबूरन वापस आना पड़ा और यहाँ आकर देखा तो आग लगी हुई थी। ये गोडाउन खुला रहता है क्या? नहीं साहब, मैं ताला लगा कर गया था। ताला लगा हुआ तो फिर ये लाश, ये आदमी अंदर कैसे आया? किसी ने ताला तोड़ दिया साहब, दरवाजे खुला हुआ था साहब। ताला तोड़ा गया है इसका मतलब ये आग लगी नहीं है तेरा, आग लगाई गई। विवेक तुम लोग देखो यहाँ पे आसपास ताला मिलता है क्या। कुलदीप है, सब बर्बाद हो गया सर, सब बर्बाद हो गया। मेरा कितना सामान रखा होता सर, ये कंटेनर से अमेरिका जाने वाले थे सब। ये रहा वो ताला सर, पूरी तरह से जल गया। मिस्टर कुलदीप, ऐसा लगता है ये आग लगी नहीं है, लगाई गई है। कब तक? जी हाँ, किसी ने आपके गोडाउन का ताला तोड़ दिया। तो ये कैन देखिए सर, इसमें इतने जोर से ब्लास्ट हुआ है कि ये पेपर की तरह फट गया है। जिसने भी आग लगाई सर, मुझे बर्बाद किया, वो कभी चैन से जी नहीं पाएगा। ये आदमी भी उन लोगों के साथ मिला हुआ है जो यहाँ पे आग लगा के भाग गए हैं, और शायद ये भाग नहीं सका। या फिर आपस में झगड़ा हुआ होगा, इसको मार दिया और उसके बाद आग लगा दी। आपको किसी पे शक है? आपका कोई दुश्मन? किस पे शक होगा सर? मार्केट में इतनी सारी कंपनियां हैं, एक दूसरे के दुश्मन है सर। एक काम करते हैं, ये लाश लेकर चलो, यही बताएगी आग किसने लगाई। ये क्या बताएगी सर? ये जली हुई लाश क्या बताएगी? इतनी बुरी तरह से जल गई है बॉडी कि कुछ नहीं बचा। तो फिर अभिजीत चलो। अरे कहाँ जा रहे हो? तुम्ही ने तो कहा यार कि कुछ बचा नहीं है। कमाल आदमी हो यार, जब देखो तब घोड़े पे सवार। अरे इसके दांत तो बचे? दांतों से डॉक्टर सालूम के सब बता सकते हैं कि इस आदमी ने खाया क्या था। रेडी, जब तक तुम्हारा मुंह बंद रहता है ना, तुम बहुत खूबसूरत दिखाई देते हो। बाय द वे, ये तुम्हारे गॉगल्स बहुत महंगे हैं क्या? क्यों नहीं, जब से अंदर आया उतार ही नहीं रहा है। अब ये बताइए कि दांतों ने क्या बताया? अभी जी, दांतों ने ये बताया कि इस आदमी की उम्र 25 से 30 साल के बीच में है। 25 से 30 साल, जवान आदमी, मौत गोडाउन में, और वो भी जल के। बॉडी तो पूरी तरह से जल गई, फिर भी मैंने सोचा चेक कर लूं, शायद कुछ मिल जाए, तो ये मिली। ये दो उंगलियां, मैंने सोचा इसकी उंगलियों के निशान ही ले लूं, शायद पता चल जाए कि ये आदमी गुनेगार है या नहीं। हाँ, सोचा तो यही था, मगर उंगलियां जल गई है। नहीं बॉस, उंगलियां सही सलामत है, लेकिन उंगलियों पे निशान नहीं। अरे अगर उंगलियां जली नहीं तो फिर निशान क्यों नहीं? यही तो परेशानी है बॉस, मैंने जिंदगी में पहला केस देखा है जहाँ आदमी की उंगलियों के निशान ही गायब है। गर्मी की वजह से उड़ गए होंगे। निशान कोई पानी है जो भाप बनकर उड़ जाएगा। तो फिर साणुके उंगलियों के निशान गए कहाँ? देखो, साणुके उंगलियों के निशान का गायब होना दिमाग घुमा देने वाली बात है यार। बॉस, मैंने हाल ही में अखबार में पढ़ा था कि किसी फॉरेन कंट्री में एक एयरपोर्ट पर एक आदमी के फिंगरप्रिंट ले रहे थे, बाद में पता चला कि उस आदमी की तो उंगलियों के निशान ही गायब है। बस फौरन ही अरेस्ट कर लिया गया, और कमाल की बात यह है कि उस आदमी को खुद को नहीं मालूम था कि उसकी उंगलियों के निशान गायब है। मतलब ये बॉस कि वो आदमी बीमार था, कैंसर पेशेंट। ओके, और वो कैंसर की दवाई खा रहा था? जी हाँ, कैपेसिटाबाइन। और रिसर्च से पता चला है कि जो आदमी कैपेसिटाबाइन लंबे समय तक लेता रहता है, उसकी उंगलियों के निशान गायब हो जाते हैं। तो तुम्हारे कहने का मतलब है साळुंखे कि ये आदमी जो जला है वो ये दवाई ले रहा था, कैपेसिटाबाइन? बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि ये आदमी कैंसर से बीमार था। जी फिर तो इस आदमी के बारे में पता लगाया जा सकता है सर।
सारे कैंसर हॉस्पिटल में पता करते हैं कि कौन कौन लोग हैं जिन्हें ये वाली दवाई दी जा रही थी। आशा, ये तुम्हारा पहला केस है, तुम अभी से थक गए? युद्ध तो अभी शुरू हुआ। नहीं सर, मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे तो बल्कि मजा आ रहा है सर। अच्छा, मजा आ रहा है, लग तो नहीं रहा। सर, ये आवाज कैसी सर? यहाँ पे मिली है तो या तो ये लाश की है या फिर खूनी की, झगड़े वगड़े में गिर गई होगी। अभिजीत, इस आदमी के केस को देखकर मुझे एक 20 साल पुरानी केस याद आ रही है। कुछ चार लोगों ने मिलकर एक आदमी को लूटा और फिर उसका खून करके उसकी लाश को वर्सोवा बीच में गाड़ दिया रेत में। मगर वो कहते हैं ना कि कुछ लोगों का बैड लक ही खराब होता है। क्या हुआ, क्या था सर? हुआ ये कि चार दिन बाद ऐसे बारिश हो गई और समुद्र में इतना तूफान आया कि बीच के ऊपर की सारी रेत बह गई और जो गड़ी हुई लाश थी उसका हाथ यूं ऐसे बाहर आया, जैसे कह रहा था कि मैं यहां पर हूं। बस हमारे इस आदमी की केस का हल भी कुछ ऐसे ही लगता है मुझे। मरते वक्त जैसे वो आदमी कह गया कि मुझे कैंसर हुआ था। मिल गया सर। सर, ये एक ही हॉस्पिटल है जहां पे ये कैंसर वाली दवाई मिलती है? वामो हॉस्पिटल। मगर अभिजीत, ये कैंसर की दवा वामो हॉस्पिटल में कैसे मिलती है? ये तो कैंसर हॉस्पिटल है ही नहीं। सर, हो सकता है यहाँ पे कोई नया डॉक्टर आया हो जिसे इस वाली दवाई के बारे में मालूम हो। जैसे हमारे सारंगी को मालूम है इस दवाई के बारे में। वैसे अभिजीत, ये हमारा सारंगी है टेढ़ा मगर बहुत होशियार है, रोज नई नई किताबें पढ़ते रहता है। उसे है ना, उसके अंदर भूख है नई बातें सीखने की। आंधे लगे हुए हो, मिला कुछ? अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी खबर है। अरे यार, छोटी सी चीज सही पर है तो सही कुछ। हाँ, अच्छा, हमें वो हॉस्पिटल मिल गया जहां पे वो कैंसर वाली दवाई दी जाती है। हाँ ठीक है, तुम वो दुकान ढूंढो, तब तक हम लोग जरा इस हॉस्पिटल में होके आते हैं। क्या क्या मिला दया को? सर, एक जली हुई चाबी मिली है। निकल पड़े हैं वो लोग उस चाबी का ताला ढूंढने। जली हुई चाबी? एक्सक्यूज मी, हम लोग सीआईडी से। हमें ये पता लगाना है कि आप यहाँ पे कैपेसिटाबाइन नाम की दवा देती हैं किसी को? कैपेसिटाबाइन? जी हाँ। वो तो कैंसर के लिए दवाई है। जी, आप ये दवाई देती हैं किसी को? जी। तो क्या आप उन पेशेंट्स के नाम और पता हमें दे सकते हैं जो ये कैपेसिटाबाइन लेते हैं? जी, एक मिनट, मैं लाती हूँ। क्रिटिक्स, इसमें से वो नाम और पता नोट कर। Yes. हम लोग CID से। CID से? जरा ये चाबी देखते हैं। ये चाबी यहीं पे बनाई गई है ना? मार्जो ताला तो हम ही लोग बनाते हैं, फिर ये चाबी हम ही ने बनाई होगी। इस चाबी का ताला कहाँ है हमें ये पता लगाना है। Y50598। एक मिनट सर, प्रकाश वो रजिस्टर देना। देखिए सर, हम लोग हजारों ताले बनाते हैं, अब ताले बनाने के बाद कहाँ कहाँ गए इसकी हम थोड़ी बहुत ही जानकारी आपको दे सकते हैं। जो कुछ भी पता चले, ये ताला यहाँ बनने के बाद हार्डवेयर के किस किस दुकान में बेचे गए हैं ये तो पता लग ही सकता है ना? जी, इस नंबर के ताले हमने अंधेरी में, पार्ला में और सांता क्रूज में बेचे। अरे फ्रेडिक, कहाँ छुपा के रखते हो बिस्किट? लाया सर। कहाँ छुपा के रखी थी?
मैंने? और नहीं तो क्या मैंने? बाद में खाने वाले हो? अरे सर आप भी ना। आपका ऑफिसर है बहुत अच्छा आदमी, बहुत प्यार से हमें यहाँ लेके आए। हाँ वाकई बहुत अच्छा आदमी है। ए फ्रेडरिक्स, ये क्या, ये पैकेट फटा कैसे है? सर ये बिस्किट जो है ना विवेक से दूर रखनी चाहिए सर। ए फ्रेडरिक्स सच बताओ कितने खाई तुमने इसमें से? तीन तक तो याद है बाकी। एक्चुअली हमें भी बड़ा बुरा लग रहा था कि एक तो आप लोगों की तबीयत ठीक नहीं है, उसके ऊपर से आप लोगों को यहाँ पे आना पड़ा। जब से मैंने दवा खाया है हालत में बहुत सुधार है। अच्छा बड़ी अच्छी बात है। वैसे आप सब लोग एक दूसरे को जानते हो? अच्छी तरह से जानते हैं। हाँ सर हम सब एक दूसरे को जानते हैं। हम सभी को डॉक्टरों ने बुलाकर ये बताया था कि देखो भैया एक नई मेडिसिन आई है, आजमानी है, बोलो तैयार हो। तो हम सब ने बोला कि भैया ऊपर तो जाना ही है, सो क्यों ना चलो एक नई दवा खा के देख लें। और फिर सर उसके बाद चमत्कार हो गया। उस दवा को लेने के बाद हम सभी की तबीयत में लगातार सुधार होने लगा। चलिए अच्छा है, भगवान करे आप लोग जल्दी से अच्छे हो जाए। वैसे कितने लोग हैं आप जो ये नई दवाई खा रहे हैं? सर एक सर हम लोग चार, सर पांच लोग हैं हम लोग। आपने रमन को नहीं बुलाया? नहीं, हम उसका फोन ट्राई कर रहे हैं मगर फोन लग नहीं रहा उसका। अच्छा आप में से कोई जानता है ये रमन रहता कहाँ है? कोई गया है उसके घर पर? अब हाँ सर मैं गया हूँ, वो मलाड में तेली अली में रहता है सर। चलो ठीक है हम रमन को वहाँ जाकर मिलेंगे। सर वैसे बात क्या है सर, अब हम सबको यहाँ पे क्यों बुलाया सर? ये हम आपको बाद में बता देंगे, पहले रमन से तो मिल लें। ये इस सीरीज के माजो ताले आपके दुकान में आए हैं फैक्ट्री से? धंधा बहुत मंदा है मैडम, आजकल लोग घर नहीं खरीद रहे हैं, और जब घर ही नहीं खरीदेंगे तो ताले खरीद कर क्या करेंगे? ऐसा कैसा हो सकता है? ध्यान से देखो यही वाला ताला बेचा है कि नहीं? नहीं साहब, ये नंबर के ताले अब तक हमारे दुकान से नहीं बिके। कैसे नहीं बिके? अच्छा आगे हार्डवेयर की दुकान है? हाँ यस आगे। थैंक यू। अच्छा ये देखिए चाबी, देखिए मैं CID से हूँ, हम पता करना चाहते हैं कि ये चाबी किसकी है। लेकिन भाई साहब एक चाबी से ताला ढूंढना बड़ा मुश्किल काम है। मालूम है मुश्किल है मगर हम ढूंढ के रहेंगे। आप देखिए कौन सी कंपनी का है, मार्जो? हाँ मार्जो, इस कंपनी वालों ने बताया कि इस नंबर के ताले इसी एरिया में बेचे गए। हाँ सर मुझे याद आया, अभी कुछ दिन पहले एक ऑफिस वाला बंदा आया था और 10 ताले लेकर गया है। 10 ताले? जी हाँ, और मार्जो भी थे। मैं आपको अभी बिल देखकर बताता हूँ। नंबर क्या है? Y50598। हाँ Y50598। सर ये रहा बिल। अच्छा ये बताइए ये ताले खरीदे किसने? ये माइक एंड फ्रेंड्स कंपनी है। माइक एंड फ्रेंड्स? जी हाँ, उनका नया ऑफिस बन रहा है। आप लोग? जी हम लोग CID से हैं। क्या? थैंक यू। रमन के बारे में कुछ पता चला? कुछ पता चला मतलब हम समझे नहीं। मेरे पति कल रात से वापस नहीं आए, मैंने पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेंट लिखवाई थी। देखिए दरअसल बात यह है कि आपके पति की हमें लाश मिली है। देखिए प्लीज लीजिए प्लीज पानी लीजिए। कैसे हुए ये सब? अब आपके पति की लाश, मेरा मतलब है उनकी जली हुई लाश मिली एक गोडाउन में। सर ये गोडाउन यहां से 10 मिनट की दूरी पे है।
देखो बेटा, हमें बहुत दुख है। मुझे पता है ये वक्त नहीं है तुमसे कुछ पूछने का, लेकिन क्या तुम बता सकती हो तुम्हारे पति काम क्या करते थे, कहाँ करते थे? फैक्ट्री में काम करते थे। फैक्ट्री में काम करते थे। अच्छा, उनकी फैक्ट्री कितनी दूरी पर है, कहाँ है फैक्ट्री? बीस पच्चीस मिनट की दूरी पर है। देखो, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो हमें फोन कर देना। हम एक लेडी कांस्टेबल भेज देंगे तुम्हारे साथ कुछ दिनों के लिए रहने, ठीक है? हम चलते हैं, अपना ख्याल रखना। अभिषेक, एक बात समझ में नहीं आ रही है कि ये रमन गोडाउन में क्या करने गया था? वो तो फैक्ट्री में काम करता है। सिर्फ वो गोडाउन रमन की फैक्ट्री और उसके घर के बीच में है। सर, गोडाउन के पास में ही तो बस स्टॉप है। शायद रमन बस पकड़ने के लिए बस स्टॉप पे गया होगा। हाँ, और फिर अपनी शिफ्ट खत्म करके वो गोडाउन के पास वाले बस स्टॉप पर खड़ा था। उसी वक्त गोडाउन में कुछ हुआ होगा और रमन ना। मगर हुआ क्या होगा उस गोडाउन में? एक्सक्यूज मी। यस, हम लोग सीआईडी से आए हैं। सीआईडी जी, कहिए, मैं यहाँ के डिप्यूटी मैनेजर हूँ। हमें पता चला है कि आप लोगों ने मार्जो कंपनी के 10 ताले खरीदे हैं एक साथ। 10 ताले? कितनी अजीब बात है, एक छोटी सी कंपनी कितने ताले खरीदती है। अब आप लोग इस बात का भी ख्याल रखने लगे हैं क्या? हाँ, उससे हमें ये पता चल जाएगा कि खूनी कौन है। खूनी? किसका खून हुआ है? आप वो छोड़िए, अब ये बताइए कि वो 10 ताले कहाँ कहाँ लगे हैं? जी, वो तो हमारे ऑफिस में ही लगे हुए हैं, कई जगहों पर। और इन तालों की चाबियां किस किस के पास होती है? जी, चाबियां तो हमारे यहाँ प्यून्स के पास ही होते हैं, क्योंकि वही ऑफिस खोलते हैं और बंद करते हैं। प्यून्स कितने हैं यहाँ ऑफिस में? जी, 5। क्या आप उन्हें बुला सकते हैं यहाँ पे? जी जरूर। सुनो, ऑफिस के सारे प्यून्स को मेरे केबिन में भेजो। आप लोग सब एक लाइन में खड़े हो जाइए प्लीज। एक, दो, तीन, चार, 5वां का है? हाँ, ये 5वां का है? हाँ? ये बताओ, इस नंबर की चाबी किसके पास होती है? 50598 साहब, ये तो सोनू के पास रहती है। सोनू? सोनू कहाँ है? साहब, वो तो 2-3 दिन से छुट्टी पे है साहब। छुट्टी पे है? ये सोनू इस वक्त कहाँ मिलेगा? अरे सुनो जरा, ये तुम किसी सोनू को जानते हो क्या? सोनू? हाँ, सोनू यहाँ पे आता जाता रहता है। एक सोनू तो है। आ जाए वो? हाँ आया है, ऊपर बैठा है 6 नंबर टेबल पे। थैंक यू। टेबल नंबर 6, उधर तुम लोगों को जाने का, सीधा अपना काम करने का। डबल बताइए, वहां पे जाने का सीधा स्ट्रेट पहुंचा, बिल्कुल कर। सोनू भाई कैसे हो? अब ये कौन आ गए भाई, मेरे रिश्तेदार? एक नहीं, एक साथ कई रिश्तेदार आए हैं भाई। कौन है रे भाई तुम लोग? कौन है पता चल जाएगा तो यहीं पर पैंट गीली हो जाएगी, जितनी भी पी है ना सब उतर जाएगी। ए, जबान संभाल के।
बेटा हम लोग सीआईडी से हैं, समझे? सीआईडी? हजम है रास्ते से, हजम है कैप्टन हजम। क्या भाग रहा है? हाँ? हजम। सोनू, सोनू, अच्छा सोनू एक सीधी सादी नौकरी करते करते ये किस लाइन पर निकल पड़े और क्यों? एक प्योर के पगार में पूरे फैमिली का खर्चा नहीं चल सकता साहब। मैंने दोस्तों ने जब मुझे ये प्लान बताया तो मैं मना नहीं कर सका। वाह वाह, ये बताओ वहां पर क्या हुआ था? गोडाउन में किस लिए गए थे तुम? हम लोग गोडाउन का ताला तोड़कर अंदर घुसे। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर हम गोडाउन में रखा सामान जमा करने लगे और जैसे ही हम लोगों ने सामान इकट्ठा किया तो अचानक ही एक आवाज सुनाई पड़ी। क्या हो रहा है यहाँ पर? है, कौन हो तुम? जैसे ही मैंने देखा गोडाउन का ताला टूटा हुआ है, मैं समझ गया कि अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है। अबे चुपचाप भाग जाए यहाँ से। मैं क्यों भागू यहाँ से? भागोगे तुम लोग अभी यहाँ से। मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ, सबके सब अंदर हो जाओगे तुम लोग। ओए, क्यों नाक डालना बीच में? हाँ काना, फोड़ यहाँ से। बस दो मिनट रुक जाओ तुम लोग। ये तो पुलिस को फोन कर रहा है भाई, ऐसे तो हम लोग फंस जाएंगे यार। भाई कुछ करना पड़ेगा यार। मैं उसे मारना नहीं चाहता था साहब, लेकिन वो गधा मेरी बात मान ही नहीं रहा था। लगा था पुलिस को फोन कर रहे हो। मैं क्या करता साहब, मैं क्या करता? ऐसे नहीं मानेगा तू, ऐसे नहीं मानेगा। मैंने उसकी लाश को गोडाउन में रख दिया ताकि गोडाउन के साथ वो भी जल जाए। और मैंने गोडाउन में आग लगाई। अगर तुम लोग तो चोरी करने के इरादे से गए थे ना, तो फिर गोडाउन क्यों जलाया? हमें ऐसा करने के लिए कहा गया था। किसने किसने कहा था? उसका नाम नहीं मालूम, उसने हमें फोन किया था। किस नंबर से? वो मेरे फोन में है। विवेक फोन लाओ इसका। इस नंबर से उसने कहा गोडाउन में जो सामान है उसे निकालकर गोडाउन जला देना। गोडाउन से सामान निकाल के? हाँ सर, सामान निकालकर। और क्या कहा उसने? उसने कहा कि वो काम खत्म होने के बाद किसी सुनसान जगह पर मिलेगा और 5 लाख रुपए देकर गोडाउन से चुराया हुआ सामान वापस ले लेगा। और तुम तीनों के मुंह में पानी आ गया, बिना बात के मार दिया उस बेचारे रमन को। क्या कसूर था उसका? एक अच्छे नागरिक की तरह अपना काम कर रहा था वो। तीनों को तो फांसी होगी। मोबाइल कंपनी ने क्या कहा था? मोबाइल कंपनी वालों ने यही एड्रेस बताया सर। क्या यही बंगला है? हाँ सर, यही है मानस का बंगला। अरे अरे, आप ये कहाँ घुसे चले आ रहे हैं आप? मानस ही का ही बंगला है ना। कौन मानस? कौन मानस मतलब? वो जो यहाँ पे रहते हैं वही वाले। अच्छा, वो मानस साहब? हाँ वो मानस। कहाँ है वो? वो मालूम नहीं कहाँ है। एक उल्टे हाथ का पड़ेगा ना, तोते की तरह बोलने लगेगा, समझा? अच्छा, आप लोग जाइए यहाँ से, जाइए आप लोग, जाइए। बहुत ज्यादा नमक खा लिया मालिक का तुमने, अब प्रसाद खा। बोलो कहाँ है वो? साहब वो तो फार्म हाउस। कहाँ है ये फार्म हाउस? एसीपी साहब आप? हाँ, ये मानस का? अब आया नहीं सर। तो फिर? अब मैंने उसको बुलाया था सर, उसका इंतजार करते करते मैं बस हो गया। बाय द वे, ये तो मानस का फार्म हाउस है ना, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्यों
सर मानस भाई है मेरा सर। तुम्हारा भाई है? बहुत अच्छा भाई है। हाँ सर भाई है मेरा। उसी ने तुम्हारे गोडाउन में आग लगाई थी। व्हाट? मानस ने आग लगाई? हाँ। अच्छा बदला लिया सर उसने मुझसे। बचपन से ही मेरा दुश्मन रहा वो। अब तो उसका अंत आ ही गया। पैसे मानस के नाम पे करूं या कुलदीप के नाम पे? मिस्टर मानस। रे 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 कहां जा रहे हो कुलदीप जी उर्फ मानस? हैं पैसे भी तो ले लो। बताता हूं सब कुछ बताता हूं। मेरा बिजनेस घाटे में चल रहा था, ऊपर से अचानक बाजार में मंदी आ गई। मेरा एक बहुत बड़ा कंसाइनमेंट अमेरिका जाने वाला था, जिसका मैंने 5 करोड़ का इंश्योरेंस करवाया। यह मेरे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। मैंने सोचा क्यों ना कंसाइनमेंट को चोरी करा दूं और फिर गोदाम में आग लगवा दूं। लेकिन मेरा नसीब खराब था कि वो आदमी वहां पर आ गया। उसका नाम रमन था और वो तुम्हारा गोडाउन चोरी होने से रोकने के लिए आया था। और उसे क्या मालूम कि गोडाउन का मालिक ही चोर है? रमन के खून में तुम्हारा भी हाथ है, तुम्हें भी सजा होगी, बड़ी से बड़ी सजा। <स्थाथ>